एवरीवन, मैं हूं विशाखा और आप देख रहे लिव मैजिकल लाइफ। अब तक हम लोग ने ऑलमोस्ट सारे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट कवर कर लिए हैं एक एक बार, तो आइए आज थोड़ा क्रेजी बनते हैं। कैसे? आज आपको कुछ नया करना है, कुछ अलग करना है। आप कहीं भी जाए, जो भी काम करें, आपको एक इमेजिनेशन करना है, आपको ऐसा फील करना है कि आपके पीछे पीछे एक मैनेजर है, इनविजिबल मैनेजर, जैसे मिस्टर इंडिया। तो वो मैनेजर आप पे पूरा पूरा ध्यान रख रहा है। वो क्या करेगा, आप जो जो भी करते हैं, जिस जिस चीज के लिए ग्रेटफुल फील करते हैं, उसको पता चला, वो अपने बुक में नोट डाउन करते जाएगा और वो आपको एक प्रमोशन देने वाला है। वो जैसे कि कोई एचआर मैनेजर होता है, आपकी प्रमोशन करने वाला होता है, तो वो वही करेगा। किस बेसिस पे? जितनी लिस्ट आपकी लंबी, वो बेसिस पे वो आपको प्रमोशन देगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जॉब करते हैं तो आप अपनी जॉब के लिए ग्रेटफुल कर सकते हैं सबसे पहले, या फिर उसकी छोटी छोटी चीजों के लिए जो आप यूज करते हैं, जैसे कंप्यूटर है, लैपटॉप है, आप प्रिंटर, स्कैनर, जो भी यूज करते हैं, आप ट्रैवल कैसे करते हैं, आपको इजीली ट्रैवलिंग कर सकते हैं, जो भी चीज के लिए आप ग्रेटफुल फील कर सके, वो आपको चुन चुन के ग्रेटफुल फील करना है। इनफैक्ट आप अपनी सैलरी के लिए ग्रेटफुल फील कर सकते हैं। अब आप बोलेंगे जॉब करते इसीलिए कि सैलरी हो, और मुझे तो लगता है मेरी सैलरी कम है। हाँ, लेकिन आपके पास जॉब तो है, सैलरी तो है, और ये सैलरी आप मानो या ना मानो आपने खुद एक्सेप्ट की है, तभी ये आपकी सैलरी है, राइट? किसी किसी लोग को तो मैंने ऐसे बोलते भी सुना है कि सैलरी आती नहीं, कि चली जाती है ईएमआईज में। अरे, ईएमआईज आपने बढ़ाए हैं, आपने सोच समझ कर, जानबूझकर, अपनी मर्जी से लोन लिया था। आपको पता था कि इसका ईएमआई आपको आने वाला है और आपको एवरी मंथ भरना है, फिर भी आपने अग्री करके, अग्रीमेंट साइन करके ये लोन लिया है। क्यों? बिकॉज आपको कुछ चाहिए था। अगर आपने हाउसिंग लोन लिया है तो आपको पता है कि आपका एवरी मंथ ईएमआई आएगा, लेकिन आपने फिर भी लिया अपनी मर्जी से, क्योंकि आपको अपने घर में रहना है, आपको रेंट तो नहीं भरना पड़ता, तो यू शुड बी ग्रेटफुल अबाउट इट। इसमें कोई पॉइंट नहीं है कि आप बोलो कि सैलरी आती है, ईएमआई चली जाती है। आपने खुद ने ईएमआई खड़ा किया है तो वो तो आएगा ही। अगर ईएमआई नहीं आता तो आपका पैसा रेंट में जाता। अब आपने ही डिसाइड किया है कि आपको क्या चाहिए, तो पॉजिटिव रहने की आदत डालिए और आपको जो छोटी से छोटी चीज मिले उसके लिए ग्रेटफुल फील करिए। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आप अपने, अगर आप अकेले हैं, फ्रीलांसर है या जो भी है, अकेले है, तो आप अपनी, आपके पास ऑफिस होगी या कंप्यूटर होगा, या आप अगर घर बैठे करते हैं, फ्रीलांसर है, जो भी है, आपके पास कंप्यूटर है, फोन है, सब कुछ के लिए आप ग्रेटफुल फील कर सकते हैं। अगर आप हाउसवाइफ है तो घर में भी आप काम तो करते ही हैं, आपके अप्लायंसेस के लिए आप ग्रेटफुल फील कर सकते हैं। आपके पास वॉशिंग मशीन है, आपको हाथ से कपड़े नहीं धोने पड़ते। इनफैक्ट आपके पास मेड है तो उसके लिए ग्रेटफुल फील करिए। आपका कितना सारा काम तो वो करती है, जैसे ऑफिस में एक असिस्टेंट काम करता है, राइट? तो ऐसी छोटी, आप काम कोई भी करो, चाहे आपका जॉब है, चाहे आपका बिजनेस है, चाहे आप होम मेकर हो, आपको काम तो आप दिन भर करते ही हो, तो उसमें छोटी छोटी चीजों के लिए आपको ग्रेटफुल फील करना है। आपका इनविजिबल मैनेजर जो कि मिस्टर इंडिया है, वो आपकी हर एक चीज को देखेगा और आपको वो ऑब्जर्व करेगा पूरा दिन। अब आप जैसे ही कुछ चीज नोटिस करते हो तो आपको वो बोलना है, बोलोगे तभी उसको पता चलेगा और वो नोट डाउन करेगा, राइट? तो आपको बोलना है कि इस चीज के लिए थैंक यू और उसका रीजन, तो उसको पता चलेगा और वो अपनी लिस्ट में ऐड करेगा, और जितनी लंबी आपकी लिस्ट होगी उतना ज्यादा आपको प्रमोशन मिलेगा, राइट? और ये तो सब इमेजिनेशन है। तो प्रमोशन आपको किसी भी फॉर्म में मिल सकता है, जैसे अगर आप जॉब करते हो तो आपकी इंक्रीमेंट हो सकती है, इंसेंटिव ज्यादा मिल सकता है, या फिर अगर आप बिजनेस करते हो तो आपको प्रॉफिट ज्यादा मिल सकता है। आप होम मेकर हो, घर में काम करते हो, खुद के घर में, तो आपको शायद आपको क्रेडिट ज्यादा मिलने लगेगा, या आपको कुछ नया अप्लायंस लाके दे देंगे घर में। ऐसी छोटी छोटी चीजें आपकी इंक्रीज होती जाएंगी, आपकी जो करंट सिचुएशन है जॉब की, बिजनेस की या घर की, उसमें इम्प्रूवमेंट होगी, राइट? तो यही आपको करना है। मॉर्निंग में उठते ही सबसे पहले फर्स्ट प्रैक्टिस, काउंट योर ब्लेसिंग्स, देन इमेजिन करें कि आपके पीछे एक इनविजिबल मैनेजर है, मिस्टर इंडिया।
तो वो आप पे ध्यान रख रहा है, नोट डाउन कर रहा है और वो आपको प्रमोशन देने वाला है। और यही ध्यान में रखते हुए आप जो चीज नोटिस करें उसके लिए ग्रेटफुल फील करिए और बोलिए, तो वो नोट डाउन करेगा। एंड सबसे लास्ट, रात को सोने से पहले ग्रेटिट्यूड रॉक। अगर आपको ये दो फर्स्ट दो प्रैक्टिस जो आपको एवरीडे करनी है वो याद नहीं है, या उसमें कोई डाउट है, या वापस चेक करनी है, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और बस आज के लिए इतना ही, तो मैं जल्दी मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नई प्रैक्टिस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।